केस फ्रॉम ई एकेडमी, आप मेरे को जानते ही होंगे। हमारा ई एकेडमी चैनल जो है आईएएस और पीसीएस की तैयारी कराता है, उसमें हम मेनली सोशल वर्क, ज्योग्राफी और पीटी से रिलेटेड और मेनली जो न्यूज़पेपर द हिंदू की एनालिसिस आजकल कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि सबसे बेस्ट, हालांकि अभी हमने शुरुआत जो करी है उसमें हम उतना कंटिन्यूटी कर नहीं पाते हैं, लेकिन मेन हमारा ये रहता है मकसद कि हम सबसे अच्छा बेस्ट प्रोवाइड करें आपको, भले ही धीरे धीरे करें, लेकिन हमारा जो मकसद है वो ये। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारा ही जो ई एकेडमी चैनल है उसकी एक सिस्टर कंसर्न आने वाली है एग्री एकेडमी के नाम से। एग्री एकेडमी क्या करेगी, इसमें मैं आपको बताऊँ कि जैसा कि आपको पता ही है कि एग्री यूनिवर्सिटी से मैं भी पढ़ा हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है कि वहाँ के जाने माने प्रसिद्ध प्रोफेसर जो अब रिटायर हो गए हैं वो एग्री एकेडमी के थ्रू आप लोगों से सीधा संपर्क करेंगे। उसमें वो आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। देखो, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आईएएस और पीसीएस दोनों में कॉमन है। ऊपर से उसके बाद अगर आप फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम देते हो तो वहाँ पे भी एग्रीकल्चर आता है। तो एग्रीकल्चर में हम पहले शुरुआत करेंगे हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या जरूरी है, क्यों आज हॉर्टिकल्चर की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, इस पर सारा प्रकार डॉक्टर साहब डालेंगे। तो डॉक्टर साहब जो है, आपको मैं डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब जो है उन्होंने जो है काफ़ी बुक पब्लिश कर रखी है। कुछ बुक्स को मैं आपके सामने लाता हूं। डॉक्टर साहब की एक बुक्स तो है ये आपके सामने, ठीक है। डॉक्टर साहब की दूसरी बुक जो है ये है सब्जी बीज उत्पादन, इसके लिए डॉक्टर साहब को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था। उसके अलावा ई टी वी पे आप अगर खोलेंगे किसान से रिलेटेड चैनल, तो ई टी वी पे बहुत बार इन्होंने टॉक दे रखी हैं, तो जाना पहचाना चेहरा ही है। और रेडियो पे 250 से ज़्यादा भी टॉक इन्होंने दे रखी है। उसके बाद अब मैं डॉक्टर साहब को देता हूँ माइक। अब डॉक्टर साहब को बताएंगे कि कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट टू डॉक्टर साहब। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दुर्गेश कुमार सिंह, मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर एवं हॉर्टिकल्चर के बारे में बताऊंगा। मैं शुरू से ही हॉर्टिकल्चर से जुड़ा रहा हूं और हॉर्टिकल्चर में मैं 75 से रिसर्च शोध कार्य कर रहा हूं। 42.5 साल की सर्विस करने के बाद मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं और ज़्यादातर हमारा फोकस किसानों के ऊपर भी रहा है। उनके खेतों पर जाकर उनकी समस्याएँ सुनी हैं, उनके बारे में बताया है। और मैंने 15 PhD MSc और 3 PhD स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रखा है। इसके अतिरिक्त हमें जितने भी किसानों से संबंधित समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए हम कार्य करते रहते हैं और अब भी हम किसान से जुड़े हुए हैं। तो आपको मैं एग्री अकादमी के माध्यम से हॉर्टिकल्चर के विषय में बताना चाहूँगा कि हॉर्टिकल्चर क्या है और इसको हम क्यों अपना रहे हैं, सरकार इस पर क्यों ध्यान दे रही है। अगर आप बेसिकली सोचें कि जब हम नारी स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय हमारे पास खाने की कमी थी, तो वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से इसमें हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली और आज हम विश्व में खाद्यान्नों में सबसे पहले नंबर पर हैं और विश्व में होने के साथ साथ हम दूसरे देशों को खाद्यान्न बाहर भेजते हैं। अब दूसरी समस्या हमारे सबसे सामने है कि जो हमारे गरीब परिवार हैं या गरीब लोग हैं उनको पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है और उन पोषक तत्वों की कमी के लिए हमको अधिकतर जो आपके गेहूं धान है इनसे ज़्यादा पोषक तत्व नहीं मिलते। उसके लिए आपको या तो फल खाने की आवश्यकता पड़ेगी या सब्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर उत्पादन के हिसाब से देखा है तो सब्जियों का उत्पादन और फलों का उत्पादन हमारे जो सीरियल क्रॉप हैं गेहूँ गन्ना धान इनसे 4 से 5 गुना ज़्यादा है और इनकी आमदनी भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। इस वजह से भारत सरकार ने भी हॉर्टिकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य करना प्रारंभ कर दिया है और इस समय सब्जी के मामले में और फलों के मामले में हम प्रथम नंबर पर हैं और सब्जियों के मामले में चाइना से बाद हमारा दूसरा नंबर है पूरे संसार में। और इस समय आवश्यकता क्यों है कि हमारी जो सब्जियों की आमदनी है वो सीरियल की आमदनी से 4 से 5 गुना है और जहाँ पर किसान आजकल प्रधानमंत्री की योजना की तरफ से चल रहा है किसानों की आय किस तरह से दुगनी की है, तो उसके लिए भी हम तरह तरह के किसानों को सुझाव दे रहे हैं मिक्स क्रॉप लगा के और उद्यानी फसलें जो हैं उनको लगा करके, प्लांटेशन फसलों को लगा करके, फलों को लगा करके। जैसे फलों के माध्यम से आपने सुना होगा उसमें आपको आम है, अमरूद है, लीची है, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे फल लेमन वर्ग के फल हैं, फालसा है जो माइनर क्रॉप है, आपके अनार हैं,
इनके सब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा बाद में। और साथ ही सब्जियों में आप देखिए कि टमाटर जब हमारा उत्पादन कम था, सन 50 में हमारा उत्पादन क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो 2.2 मिलियन हेक्टेयर के करीब था, जिससे हमको केवल 20.2 मिलियन पैदावार मिलती थी, जो आज बढ़ कर के 10.29 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन में सब्जी का उत्पादन हो रहा है, और उससे हमको 175.09 मिलियन टन उत्पादन मिल रहा है। ये हमारे वैज्ञानिकों, किसानों और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का वो है। तो इसी ओर हमारा किसान को ज़्यादा प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लाने की कोशिश की जा रही है कि किसान भाई गेहूँ धान की खेती छोड़ करके उद्यानिक फसलों पर अधिक ध्यान दें और उससे अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त करें, जिससे उनकी आमदनी दुगनी होगी। हॉर्टिकल्चर क्रॉप के बीच में जैसे आपका मान लीजिए बाग है, प्रारंभ में जब बाग लगाते हैं आप, तो बाग जो आपको फल देगा 8-9 साल के बाद, जैसे आम का है, लेकिन उसके बीच में आप पपीता लगा सकते हैं, उसके बीच में आप सब्जियां हो सकते हैं, जैसे अदरक है आपका, हल्दी है, उस तरह की बहुत सारी सब्जियां आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि आपको किसी भी तरह से उद्यानिक फसलों को बढ़ावा देना है, जिससे कि हम विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें और किसानों की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए हम किसानों को इस समय सलाह दे रहे हैं कि वो गेहूँ धान की फसलों को छोड़ करके और उद्यानी जो फसलें हैं उनको अपनाएं। वर्तमान में देखा जाए तो उद्यानी फसलों का एरिया जो कि हमारी कुल कल्टीवेटेड लैंड है उसका मात्र 2.5% के आसपास है। यदि ये एरिया बढ़ के हमारा जो अगर दूना हो जाता है तो हम विश्व में प्रथम स्थान पर पहुँच जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपको इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि एक एक फसल को आपको इसके बाद में अकादमी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर इनके बारे में बताता रहूँगा और आपको आपके ज्ञान को वर्धन करता रहूँगा। और साथ ही हमने अपने शोध करते समय और प्राध्यापक के रूप में कार्य करते समय जो आपके PCS और जो जितने भी सरकारी कर्मचारी आते हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी हमने लेक्चर दिए हैं उनको, तो हमने किसानों को भी ट्रेनिंग दी है, PCS IAS के जो छात्र आते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी है, और बहुत सारे लोग आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं, फ़ोन आते रहते हैं, पूछते रहते हैं अपनी समस्याओं का समाधान, हिसाब इसमें क्या करना है, तो उनका समाधान भी हम अब तक जरूरत पड़ती है तो उनके किसान खेतों पर जा करके उस समस्या का समाधान निकालते हैं। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा, देखो जो हमारा ये अकेडमी और एग्री अकेडमी का जो मेन एम रहेगा, हमारा कोई ऐसा एम नहीं कोई पैसे कमाना, ठीक है, या पैसे दिखा के फिर आपको वीडियो करना जैसे और भी चैनल कर रहे हैं। हमारा मेन एम सीधा साधा है कि देखो हम सक्षम हैं, हम अपने हमारे पास अपने आय के साधन हैं, ठीक है। मेनली जो है मैं काफ़ी बिजी भी रहता हूँ, फिर वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। अपना जो ये है सोसाइटी को हम क्या दे सकें, तो जो हमारा मोटो था कि फ्री में सोसाइटी को एक एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करो, भले ही धीरे धीरे करो लेकिन अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करो। तो डॉक्टर साहब ने भी हमें अप्रोच करा कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएंगे। अब रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर साहब जो है अपने एक्सटेंशन प्रोग्राम के थ्रू किसानों से डायरेक्ट टॉक कर रहे हैं, उनके मोबाइल्स पर कॉल आते हैं कि क्या क्या योजनाएँ हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन। तो देखो अब जो हम एग्जाम देते हैं, ठीक है, उसमें लोअर PCS की बात करें तो 20 एग्रीकल्चर क्वेश्चन आते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने जब अपनी बात करी तो मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा आपको डेटा के बारे में बताया होगा, 20-25 डेटा के बारे में बताया होगा, और IAS PCS के पेपर भी इन्होंने बनाया। क्योंकि देखो जीव पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर, आपने सबने लगभग इसका नाम सुना होगा, जहाँ एग्रीकल्चर का नाम आता है तो यूनिवर्सिटी का नाम आता है, और इस यूनिवर्सिटी की अगर फैकल्टी अगर आपको पढ़ाती है तो जितनी भी जो नई नई किस्में आ रही हैं, जैसा अभी पिछले पेपर में आ गया था कि ललित किसकी किस्म है, ठीक है, और एक सोयाबीन की किस्म आ गई थी और आपकी एक सनफ्लावर की आ गई थी मिलाने वाला, तो बाकी बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। अगर आप इस किस्मों का इतिहास देखें तो 60% जो किस्म है वो जीवी पंत यूनिवर्सिटी की ही देन है, और जो डॉक्टर साहब को एकदम मुंह पे याद है। तो वो डेटा और एग्रीकल्चर के जितने भी डेटा जो हमें परेशान करते थे, शायद वो डेटा परेशान नहीं करेंगे, ऑथेंटिक डाटा मिलेंगे आपको,
और उससे भी ज्यादा अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको कैसे बोलना है, क्योंकि इन्होंने आईएसपीसीएस लोगों को भी गाइड किया है, वो ट्रेनिंग करने आते हैं इनके अंदर की कैसे एग्रीकल्चर को करें कैसा नहीं करें। तो इन्हीं सभी के साथ लेके हम चलेंगे, जहाँ तक है कि 3 से 4 महीने में एग्रीकल्चर का ये सिलेबस खत्म करने की कोशिश करेंगे, हॉर्टिकल्चर पहले स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मेन मेरा आपको कहना है कि देखो जो एग्री एकेडमी चैनल बनेगा उसमें कॉन्टेक्ट अस में डॉक्टर साहब की आईडी है, आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको इन्हीं आपके रिलेटिव जो फार्मर्स हैं, मैं ये नहीं चाहता कि आप ये इस चीज़ सुनो, मैं चाहता हूँ कि जो फार्मर है जिसको लगता है कि गेहूं से चावल से उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है तो वो शिफ्ट हो सकता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए जो भी प्रॉब्लम हो आप इनको एज ए इन्होंने साइंटिस्ट एज ए प्रोफेसर भी वर्क किया है यूनिवर्सिटी में, काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है, आप इनको मेल करें और आपका मेल का जवाब 24 घंटे में आएगा, ठीक है। और देखो जहाँ तक अभी तक एग्रीकल्चर में जो ये मेन चीज जो होती है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इसके लिए हम दुनिया भर के ऐप हैं, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट भी सहायता दे रही है, हम कॉल करते हैं ये करते हैं, तो आप हमारे ये एग्री अकेडमी में भी कॉल करके पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो भी समस्या हो उसका समाधान करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आई होप जैसे आप लोगों ने मुझे प्यार किया है, ठीक है, वैसे ही डॉक्टर साहब को भी उतने सब्सक्राइबर मिलेंगे, इनका चैनल लाइक करना, ये वीडियो मैं अपने चैनल पे भी अपलोड करूंगा और इनका एग्री एकेडमी के नाम से चैनल होगा, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब का चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, फेसबुक में जो भी करें, और जो हमारी जो एजुकेशन फ्री देने का एक मोटो है, एक जो हमारा एम है, इसमें सहायता करें हमारी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।